छात्र आज का वीडियो है क्लास 10 के मैथमेटिक्स से अर्थात गणित से है, और गणित से आपको मात्र एक प्रश्न बताएंगे जो खास मैट्रिक परीक्षा के लिए है, इसलिए आप लोग वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। प्रश्न है, एक बेलन के आधार की परिधि 132 सेंटीमीटर और उसकी ऊंचाई 25 सेंटीमीटर है, तो बेलन का आयतन ज्ञात करें। बेलन का आयतन निकालना है और दिया क्या हुआ है, देखिए आधार की परिधि दिया हुआ है और प्लस में उसकी ऊंचाई दिया हुआ है। यहाँ पे आधार की परिधि दिया हुआ है, त्रिज्या नहीं दिया हुआ है, तो हमको क्या करना है, आधार की परिधि से बेलन की त्रिज्या निकालना है, और जब बेलन की त्रिज्या मालूम हो जाएगा तो ऊंचाई तो मालूम है ही, तो आयतन निकालेंगे फॉर्मूला से। बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच और आधार की परिधि होता है 2πr, तो इस पे बैठा के हम बेलन की पहले त्रिज्या मालूम करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक चित्र बनाते हैं, पहले जैसा बेलन कहा जा रहा है वैसा बनाते हैं। जैसे देखिए आप जानते हैं बेलन कैसे बनता है, यही है बेलन, ये बेलन है, देखिए ये बेलन है, ये होता है इसका केंद्र, यहां सीधा आने दीजिए, दोनों केंद्र को मिलाइए और ये हो जाता है ऊंचाई यानी h, यही है, ये क्या है 25 सेंटीमीटर, यही है, ठीक है। और यहां से यहां तक होता है त्रिज्या, तो यहां पे त्रिज्या नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे मान लीजिए यहाँ से आप चलते हैं ऐसे 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 जाइए और फिर यहाँ तक आइए, तो यही दिया हुआ है परिधि इसका दिया हुआ है, वो भी आधार पर का, तो आधार और शीर्ष दोनों बराबर ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आधार की परिधि दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इस परिधि से हमको आधार की त्रिज्या मालूम करना है, अर्थात यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या मालूम करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम त्रिज्या मान लेते हैं, देखिए माना बेलन की त्रिज्या बराबर r, बेलन की परिधि दिया हुआ है, लिखिए बेलन की परिधि बराबर कितने हैं 132 सेंटीमीटर, यानी कि कहने का मतलब है कि 2πr, परिधि होता है 2πr बराबर 132, या लिखिए या 2 × π का मान होता है 22/7, ठीक है, और गुने आर ही रहने दीजिए आर, ठीक है, बराबर 132, या लिखिए या क्या कीजिए, ये 7 उधर ले जाइए, यानी कि 2 × 22 × r बराबर 132 × 7, इसलिए लिखिए, इसलिए r इक्वल टू 132 × 7/2 × 22, काटिए इसको, 2 से पहले काट लीजिए, 2 से 2 × 6 = 12, 1 बचा तो 12 × 2 = 6 = 12, ये 2 से गया, और 22 × 22 = 66, यानी कि 27, आर का मान आ गया 21 सेमी, आर आपका निकल चुका है, ठीक है। अब आपको आयतन निकालना है, बेलन का आयतन, तो बेलन का आयतन क्या होता है, लिखिए बेलन का आयतन, आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर एच, इसी पे बैठाइए, यानी कि पाई का मान डालना है 22/7, और r का मान क्या है, देखिए r का मान 21 आ गया है, यानी कि × 21² और गुने आपको h का मान मालूम है, h कितना है 25 सेमी है, यहाँ पे 25 डालिए, यहाँ पे लिखिए 22/7 × 21 पर पावर देख रहे हैं 2 है, यानी 21 × 21 और × 25, 7 से काटिए, 7 × 21 यानी कि 22 × 21 = 63 और × 25, तो इस तीनों का गुना कीजिएगा तो आपको आएगा 34,650, आप गुना कर ले, इस तीनों का गुना करना है, और यहाँ पे आपको घन सेंटीमीटर लिखना है, क्योंकि आयतन जो होता है घन सेंटीमीटर में लिखा था, ठीक है, तो यहाँ पे लिखिए घन सेंटीमीटर या cm³ लिख सकते हैं, cm³, यही आपका जो है करेक्ट आंसर है, बेलन का आयतन यही है।